नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीत अग्रवाल, हेड एंड नेक सर्जन, सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक ट्यूमर होता है हमारा, नेक रीजन का, जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी ट्यूमर। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर के बारे में कुछ बताऊंगा। ये इसका जो ये कहाँ होता है और इसका क्या इलाज है बेसिकली। तो हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका वीडियो इसके मेरे वीडियो के बाद में आएगा। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका ट्रीटमेंट है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि ये जैसे गर्दन की एक ना मोटी खून की नली होती है, जिसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। कैरोटिड आर्टरी क्या होती है कि एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टरी होती है बॉडी की, जो कि हार्ट से ब्लड लेके और ब्रेन में सप्लाई करती है, सीधे इंसान के ब्रेन के लिए ये खून लेके जाती है। ये काफी मोटी आर्टरी होती है। तो क्या होता है कभी कभी कि कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसके ऊपर, उसकी जो ब्रांच होती है उसके ऊपर एक कैरोटिड आर्टरी की एक जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है, उसमें से एक ट्यूमर बन जाता है उसका, और वो ट्यूमर ऊपर और चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कोई कैंसर नहीं होता, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका इलाज बहुत जरूरी है इसको, और इसका इलाज जो है सर्जरी ही होता है। तो इसकी सर्जरी जो होती है बेसिकली, इसमें क्या है कि ये जो कैरोटिड आर्टरी है, बेसिकली जो कैरोटिड आर्टरी जो कि दिमाग के लिए खून लेके जा रही है, इसको बचाते हुए इस ट्यूमर को हमें पूरा साफ सफाई से निकालना पड़ता है, जिससे कि इसको कोई इंजरी ना हो। अगर इसको बाय चांस कोई इंजरी हो जाती है तो ब्रेन के लिए सप्लाई बंद हो जाती है और पेशेंट को काफी सारी प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है। जैसे तो ये ट्यूमर जो होता है, ये हमने जो हमारे आने वाले आगे जो वीडियो है उसमें एक पेशेंट जो थे उनका बड़ी सावधानी पूर्वक हमने ये पूरा ट्यूमर यहाँ से निकाला, और पेशेंट भी हमारे बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं। तो प्लीज कैरोटिड बॉडी ट्यूमर होने से किसी अच्छे हेड एंड नेक सर्जन से मिलें और इसकी सर्जरी कराएं। इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही है, और इसके अलावा इसका कोई और कहीं कुछ और भी और कोई इलाज नहीं है। मेरा नाम शंभु कुमार, मैं बिहार के पटना से नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मेरे ग्लैंड में एक ट्यूमर है, ट्यूमर था, जो ट्यूमर की जो खून की नली दिमाग तक जाती है, उसका ऑपरेशन पटना का कोई भी डॉक्टर गच नहीं रहे थे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन मुझे किसी के द्वारा पता चला। मैं सर गंगाराम अस्पताल में आया और डॉक्टर संगीत कुमार अग्रवाल के यहाँ मैंने एडवाइस ली, और उन्होंने कह दिया कि मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, और इतना बढ़िया से उन्होंने ऑपरेशन किया कि मुझे फिर दोबारा नया जिंदगी उन्होंने हमें गिफ्ट में दिया है। मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगा, मेरा परिवार सदा आभारी रहेगा। मैं ऊपर वालों से कामना करता हूँ कि उनके जिंदगी का मेहनत सदा कामयाब रहे।